हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेयर कंसेप्ट पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, देखिए 51,000 की नई वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये 51,000 की न्यू वैकेंसी है। और इसके जो जीके का क्वेश्चन बन रहा है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है आप लोगों का यूपी से पूछा जा रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कीजिए। दोस्तों, होगा क्या फ़ायदा आप लोगों का, होगा 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन में 8 या 9 क्वेश्चन आप कर जाते हैं उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन को, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, पूछा जा रहा है आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? पहला देखिए, ऑप्शन दिया राज्यपाल को, दूसरा दिया राष्ट्रपति को, और तीसरा दिया है मुख्यमंत्री को, और चौथा दे रहा है किसी को नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दे रहा है फर्स्ट और राज्यपाल को, ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, देखिए 4 ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन जो 4 दिया सारनाथ, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में क्या है? सिंह स्तंभ है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो इसमें से देखिए ऑप्शन दे रहा मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग, और चौथा दे रहा है सभी। तो यहाँ ऑप्शन सभी हो जाएगा, क्योंकि जो व्यवसाय में शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं वो मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग तीनों रहे हैं, तो इसलिए आंसर आपका सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? पूछा जा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो कब हुआ? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपका देखिए ताजमहल पूछ रहा है ना उत्तर प्रदेश, तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों क्या आप लोगों को लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन क्या होता है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है दोस्तों, ना कि कोई बहुत बड़ी वैकेंसी है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश क्या होता है कि अब आपसे पूछा गया कि ताजमहल, ताजमहल आप लोगों को ईजी लग रहा होगा सुनने में, बट बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी नहीं जानते हैं, तो मैं ऐसा क्वेश्चन भी उसमें डाल दिया हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या था, ताजमहल जो उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की व्रज ज्ञान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म की व्रज ज्ञान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सारनाथ। आंसर क्या हो गया? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या होता, मतलब ऐसा भी कहा जा सकता है कि हाँ उत्तर प्रदेश का जो नाम होता है 1937 में क्या होता था, तो आपका नाम होता था संयुक्त प्रांत, तो यहाँ का आंसर क्या हो गया हमारा? 1937। 1937 में जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो किस नगर से हुआ था? मेरठ से। सबको पता है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम मेरठ से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो 26 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो वो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 अगस्त 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1194 ईस्वी। ये देखिए चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध है, तो 1194 ईस्वी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जो खानवा का युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1527 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने 1526 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सामू गढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था 1600
1658 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो चौखंडी स्तूप जो है आपका सारनाथ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो शुंग काल का ये शिलालेख पाया जाता है, जो कि अयोध्या के अयोध्या में है ये। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल किला आपका कहाँ पर स्थित है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो अशोक का। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को, और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।